नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आई हैव द वेरी गुड टीम ऑफ द डॉक्टर्स हु कैन हेल्प टू द पीपल विद द एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस। तो आपको किसी को भी मतलब वैद्यकीय सलाह चाहिए और पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन करनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसी बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे एडल्ट्स, बहुत सारे बुढ़ापे के जो लोग हैं उनको सांस फूलने की ये तकलीफ होती है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा नाम से जाना जाता है। हमारी जो श्वास नलिका है वो किसी भी वजह से, ज्यादातर एलर्जिक की वजह से, वो आकुंचित हो जाती है और इतना सांस मतलब फुल जाती है कि पूछो मत। नॉर्मली रेस्पायरी रेट हमारा जो है वो 14 to 15 या 14 to 16 पर मिनट होता है। जब सांस फूल जाती है तो ज्यादा से ज्यादा ये 30, 40, 50 तक ये बढ़ जाता है। अभी अभी तो मालूम है आपको, लोग नेबुलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं या कुछ स्टीरोइड्स के टेबलेट्स भी लेते हैं। तो स्टीरोइड्स वाइसोलॉन जो प्रेडनिसोलॉन टैबलेट है वो बिना वैद्य की सलाह से लेने से आपको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ध्यान में रखिए कि जो स्टीरोइड्स की जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन है, वो असरदार तो है, ये मैजिक पिल जैसी है, फिर वो दुधारी शस्त्र बोलते हैं। मतलब उसमें क्या हो जाता है कि फायदा भी होता है और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बहुत सारे नुकसान भी पहुंचते हैं। तो आज हम नैसर्गिक तरीके अस्थमा के लिए कौन से हैं, ज्यादातर आयुर्वेदिक कौन से पौधे हैं कि जिसकी वजह से हमें ये सांस फूलने वाली जो तकलीफ है, अस्थमा वाली जो तकलीफ है, उसमें राहत मिल सकती है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। अस्थमा एक सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है और क्रॉनिक भी है, मतलब बहुत साल तक ये चलती है। और दुर्दैवशात ऐसा है कि इसका परमानेंट क्यूर हम नहीं बोल सकते। कौन से भी पैथी में, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, कौन सी भी पैथी में ऐसा कोई भी नहीं आदमी या सच्चे दिल का डॉक्टर बोल सकता है कि मैं 100% इसका क्योर कर दूंगा। ये क्योर नहीं होता, ये कंट्रोल में रख सकते हैं आप। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अटैक आने वाली या उसकी जो इंटेंसिटी है वो डेफिनेटली आप कम कर सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक की वासंतिक वमन हो या चाहे मॉडर्न वाले जो नेबुलाइजर्स की या पफ लेने वाली जो उपचार हो, उससे राहत मिल सकती है। फिर मैंने किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी एक सलाह नहीं उसकी कि जिसके डॉक्टर के पास जाओ और पूरा का पूरा आयुष्य भर के लिए, पूरी जिंदगी भर वो दमे की बीमारी आपको नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये बीमारी रुक रुक कर बाद बाद में आ सकता है, उसकी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उसको क्या हो जाता है, ये श्वास नलिका है जो उसको सूजन आ जाती है। तो उसके लिए उसको नाम क्या है, पहले तो अस्थमा है, उसकी वजह ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से, और आगे चलकर कुछ एलर्जेंस आने की वजह से ये तकलीफ बढ़ सकती है। सर्दी का मौसम आते ही बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी इस बीमारी की चपेट में आने लगते हैं। सांस फूलना, सांस लेने में कठिनाई होना, खांसी और खांसते खांसते सीने में दर्द होना, चेस्ट में दर्द होना, हेडेक होता जाता है, अस्थमा के ये मुख्य लक्षण है। अस्थमा का अगर सही तरीके से इलाज न किया जाए तो इसके लक्षण और भी बढ़ने लगते हैं। तो अस्थमा की राहत दिलाने वाली पहली वनस्पति है, उसका नाम है तुलसी। हमारी हर घर घर में ये पौधा मौजूद होता है। तुलसी में कफ को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं। इसके सेवन से रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वास मार्ग जो है उसमें जमा हुआ कफ निकल जाता है। साथ ही साथ सांस की जो नली होती है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, ब्रोंकाई जिसको बोलते हैं, उसकी सूजन कम करने में यह बहुत फायदेमंद होती है। तुलसी की आप चाय ले सकते हैं, जैसे कि 5 से 10 तुलसी की पत्तियां पानी में डालो, उसको उबालो, और जब हल्का गुनगुना होने पर बाद में ठंडा होने के बाद शहद डालकर वो पानी पी सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार इसे पीने से खांसी से आराम मिलता है और गले में जमा हुआ जो कफ है वो निकल जाता है। अभी दूसरा है कि तुलसी का अर्क आप ले सकते हैं। आजकल बाजार में तुलसी का अर्क आसानी से उपलब्ध है। अस्थमा के लक्षणों के राहत के लिए तुलसी की अर्क जो है वो 2 से 3 बूंद सिर्फ एक कप गुनगुने पानी में मिलाकर आप पी सकते हैं। तुलसी की पत्तियां, तुलसी से मिलने वाले फायदे को पाने के लिए आप सीधे तुलसियों की जो पत्तियां हैं, आप घर पर मौजूद है आपका पौधा तो पत्तियों का सेवन भी धोकर, ऑफ कोर्स धोने के बाद कर सकते हैं। तुलसी की 5 से 6 पत्तियां रोजाना चबाकर या सलाद में डालकर आप बिल्कुल खा सकते हैं। दूसरी
चीज जो है, आयुर्वेद की जो मेडिसिनल प्लांट है उसका नाम है मुलेठी या यष्टि मधु, जिसको हम लिकोरिस रूट्स भी कहते हैं। यष्टि मधु को मुलेठी ये कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये कफ की उत्तम औषधि है, जो कफ को गले में जमने से मतलब गले में जो कफ जमता है उससे रोकती है। उसके जो ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है, सूजन से आपको बिल्कुल राहत मिल सकती है, जिसको ड्राई कफ की शिकायत है, मतलब शुष्क कांस खांसियां आती हैं जिसके बलगम ज्यादा निकलता नहीं और उनको गले में ज्यादा दर्द होता है, उनके लिए ये मुलेठी बहुत बेहतरीन दवा है। मुलेठी में कफ को शांत करने वाले या ज्यादातर वात को शांत करने वाले गुण पाए जाते हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए ये काफी उपयुक्त है। इससे गले में कम नहीं जमता है, कफ नहीं जमता है और खांसी से जल्दी से राहत मिलती है। मुलेठी चूर्ण आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी का चूर्ण शहद या गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीने से फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में लाभ मिलता है। मुलेठी की चाय भी आप ले सकते हैं। मुलेठी का उपयोग चाय के रूप में भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आपको चाय बनाना है तो उसमें आधा चम्मच मुलेठी का चूर्ण फाइन पाउडर आप मिला दे और चाय को 5 से 10 मिनट तक उबाले। दिन में 1 से 2 बार ये चाय लेने से आपको बिल्कुल राहत मिलेगी। तीसरी उपयुक्त चीज है वो है अदरक, जिसको हम जिंजर नाम से जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये जिंजर जो है कफग्न काम करता है, कफ कम करने के लिए अचूक दवा है और अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद ही फायदेमंद है। अदरक श्वास नली को फैलाने में, जिसको इंग्रेजी में हम ब्रोंको डायलेटर कहते हैं, क्योंकि एलर्जन की वजह से वो अकुंचित हो जाता है, तो उसको विस्फारित करने के लिए ये जिंजर अदरक मदद करता है, जिससे क्या हो जाएगा, सांस लेने की समस्या मिलने में बिल्कुल आराम मिल जाएगा। अदरक की बहुत फेमस दवा जो है वो चाय है, मतलब अदरक की चाय बनाने के लिए एक छोटी सी कटी हुई अदरक को पानी में डालकर उबाले, इसमें थोड़ा शहद और नींबू का रस भी मिलाकर आप पी सकते हैं। इस चाय को दिन में 1 से 2 बार पीने से बिल्कुल आपको आराम मिल जाएगा। अदरक की चाय फेफड़ों की समस्याओं में बिल्कुल आराम दिलाती है। अदरक का रस भी आप सेवन कर सकते हैं। अस्थमा के लक्षणों के राहत के लिए अदरक का ताजा रस, एक्सक्यूज मी देयर इज वन इंटीमेशन, आई विल जस्ट क्लोज दैट इंटीमेशन फॉर द गूगल, ओके वी विल बैक। अदरक के रस में शहद मिलाकर पीना ज्यादा जल्दी असर करता है। इसके अलावा आप सब्जियों में या कोई भी हमारी जो किचन में डिश बनाते हैं उसके समय उसमें कटी हुई अदरक डालकर इसका सेवन भी हर रोज करना ये फायदेमंद है अस्थमा के पेशेंट के लिए। इस बात का ध्यान रखें, एक खबरदार है, कॉशन है आपके लिए कि अदरक ये उष्ण गुण वाली द्रव्य है, तो उससे ज्यादा मतलब लिमिट के बाहर सेवन करने से मुंह में छाले पड़ जाना या पेट में एसिडिटी अम्ल पित्त हो जाना ये शिकायत हो सकती है, तो सावधानी से लिमिट से ज्यादा ये अदरक के सेवन कभी भी मत करना। अगली वाली दवा है उसका नाम है अड़ूसा, एडाटोडा वासिका जिसका लैटिन नेम है अड़ूसा, जिसको अड़ूसा भी मराठी में कहते हैं, संस्कृत में वासा कहते हैं। ये औषधीय पौधा है जिसकी पत्तियां अस्थमा के इलाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अड़ूसा की पत्तियों में अगेन जैसे कि अदरक की एक गुणधर्म था, उसी तरह श्वास नली का फैलाने का गुण होता है, ब्रोंको डायलेटर, और इसकी सेवन से सांस लेने में कठिनाई की समस्या बिल्कुल दूर होकर आपको आराम मिलेगा। अड़ूसा पत्ती का काढ़ा आप ले सकते हैं, अड़ूक से इसकी पत्तियों को सुखा लें और पाउडर बना लें, नहीं तो बाजार में कोर्स पाउडर भी मिल जाती है आपको। इस पाउडर को 1 कप गर्म पानी में डालकर उबालें और जब 1/4 बचे तब छान कर चाय की तरह ये पानी पी सकते हैं। अड़ूसा पत्ती चूर्ण का इस्तेमाल शहद के साथ करने से अस्थमा के लक्षणों में कमी आती है। अड़ूसा पत्ती का चूर्ण बाजार में आसानी में मिल जाता है। वैसे तो वासा रिष्ट, वासा वलेह ऐसी रेडीमेड दवा भी आपको मिल जाएगी। अस्थमा के लिए प्राणायाम और योग करना भी बहुत ही जरूरत है। अगर आप अस्थमा से पीड़ित है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये रोजाना कंसिस्टेंसी से भ्रामरी, इसके साथ साथ कपालभाति, ये सब योगासना या प्राणायाम के प्रकार आप कर सकते हैं। एक ध्यान में रखिए, आपको कुछ चीजों से बचना चाहिए, जैसे कि एलर्जी, जैसे इत्र, धुआं, मूंगफली, अंडे, ये जो एलर्जेंस है इससे कम से कम आप बच सकते हैं। परहेज करना चाहिए आहार और जीवन शैली के बाद
मतलब जो वात या कफ को बढ़ावा दे सकता है, और ऐसी ठंडी खाद्य सामग्री या एयर कंडीशनिंग फैन, इससे आपको जरूर बचकर रहना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था अस्थमा के बारे में एक छोटा सा वीडियो। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जो हिंदी भाषा में मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, तो कृपा करके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल बटन आइकॉन। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू।